हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राशिस रस। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए ईद और वेडिंग के लिए कुछ ऐसे आउटफिट्स लेके आई हूँ जिन्हें आप बहुत आराम से पहन सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी हो रही है तो बहुत सोच समझ के हमें अपने कलेक्शन में से कपड़ों को चूज़ करना होता है। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको वो अपने सूट्स दिखाऊँ जो आप इस सीज़न में गर्मी के मौसम में आप ट्राई कर सकते हैं। वेडिंग सीजन तो चल ही रहा है, जैसे शादियां शुरू हो चुकी हैं और ईद भी बस आने ही वाली है, तो आप इन कलेक्शन में से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। और आप ये तीनों सूट हैं वो ऐसे हैं जो आप पहन सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो जो सबसे पहला सूट है वो ये सीक्वेंस का है। याद है आपको मैंने इसकी साड़ी दिखाई थी, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने इस कपड़े में से साड़ी भी बनाई थी, पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दी है। और इसी पहले मैंने साड़ी बनाई थी, उसके बाद मैंने ये सूट बनाया था, तो इसका मैं सूट भी लेकर आई। तो सूट का आप ये पीस देख सकते हैं। तो जो इसका नीचे का प्लाजो मैंने बनवाया वो मैंने प्लेन कपड़े का लिया और ये कॉटन का लिया, लेकिन इसके लिए थोड़ा शाइनिंग वाला कॉटन लीजिए आप। बिल्कुल एकदम रफ कॉटन आता है वो ना लेके थोड़ा शाइन वाला कॉटन लें। तो जिसका मैंने प्लाजो बनवाया उसी का मैंने इसके अंदर इनर भी लगवाया हुआ है, आप देख सकते हैं सेम है। तो मैंने ये 3 मीटर लिया था जिसमें 2.5 मीटर में मेरा प्लाजो तैयार हुआ और 0.5 मीटर में उन्होंने मैंने हाफ में इसमें इनर लगाया अंदर अपने कुर्ते में। मैं भी आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि नीचे प्लाजो है तो आप हाफ में इसमें अपने टॉप की तरह अंदर अस्तर लगवा सकते हैं। आप चाहें तो पूरा भी लगा सकते हैं इनर, वो आपके लिए कंफर्टेबल है कि आप कैसे किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। आप चाहें तो पूरा भी अस्तर लगवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा प्लाजो कमर तक है तो मैंने इसे कमर से बस 1 या 2 इंच ऊँचाई टॉप लगवाया है। और इस तरह से इसमें मेरे जो प्लाजो है उसमें जिप लगी हुई है, पीछे इलास्टिक है और आगे बेल्ट की तरह है। तो ये मेरा प्लाजो तैयार है। कोशिश करिए कि जब आप कॉटन का कपड़ा लें थोड़ा शाइनिंग वाला लें। तो ये जो मैंने इसमें इनर लगवाया है तो वो इस तरह से लगवाया, आप देख सकते हैं इसे कमर से भी थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि कमर तक मेरा प्लाजो आ रहा है और उससे थोड़ा 1 से 2 इंच ऊपर ये मैंने इसमें इनर लगवाया है। और इसका ये दुपट्टा है, तो इसके साथ इस तरह से आप मैचिंग चूड़ियाँ ले सकते हैं। गोल्डन कड़े चूड़ियाँ आप पहनना पसंद करते हैं चूड़ियाँ पहनिए, कंगन पहनना पसंद करते हैं कंगन पकड़िए, और ये ईयरिंग्स है। तो जो फाइनल लुक है वो इस तरह का। और इस सूट में ना इतना आराम, आपको गर्मी लगी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा आपको। ये कपड़ा ना आराम से मार्केट में बहुत ज़्यादा कलर, इसमें काफ़ी सारे कलर हैं जो हैं अभी भी। तो ऐसा नहीं है कि आप इस तरह के कपड़े में आप नेट भी ले सकते हैं। बहुत सारी गर्मियों में ना नेट हो गया, या फिर ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी नहीं चुभता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें सितारे का काम हो रहा है तो चुभता, बिल्कुल भी नहीं चुभता है। इसकी साड़ी भी बहुत कंफर्टेबल है और ये सूट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो आप इस तरह का कपड़े लेकर और बनवा सकते हैं। अब जो दूसरा सूट है वो ये है, ये थोड़ा सा हैवी, ये जॉर्जेट के कपड़े पे थोड़ा सा हैवी वर्क हो रहा है, लेकिन गर्मियों के लिए अच्छा है क्योंकि जॉर्जेट है। तो जॉर्जेट भी आप पहनते हैं तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, तो आप जॉर्जेट में भी ले सकते हैं। इसमें भी इस तरह के जॉर्जेट के कपड़े में भी ना काफ़ी वर्क के कपड़े मिले, क्योंकि ईद में भी आप थोड़ा सा वर्क वाला या फिर शाइनिंग वाला कपड़ा पहनना पसंद करते हैं लोग, अगर ईद आती है लोगों की तो। और वेडिंग सीजन में तो ये नहीं कि आप बहुत ही कॉटन या फिर कुछ हल्का फुल्का पहन लें, आप इसे मेहंदी के फंक्शन में पहन सकते हैं, आप इसे संगीत में भी पहन सकते हैं इस सूट को। इसके लिए मैंने नीचे सरारा बनवाया है, इसकी जो पीछे ये इसका बैक साइड है इसमें मैंने लटकन मैंने वैसे नहीं लगवाई, इसी कपड़े की लटकन बनवाई थी मैंने, तो ये भी इसमें अच्छी लग रही है। गले में ज़्यादा कुछ नहीं, पीछे भी स्वीट हार्ट गला है और आगे भी मैंने सेम करवाया है, क्योंकि मेरी जो लटकन है वो अच्छी लगी हुई है। और ये इसका शरारा है, तो शरारा भी इसी तरह से है कि आगे बेल्ट है और पीछे इलास्टिक है। शरारा के लिए कपड़ा मुझे एग्जिट नहीं मिला क्योंकि मुझे प्लेन शरारा बनवाना था। आप चाहें तो प्लाजो भी बनवा सकते हैं, लेकिन शरारा शूट पर काफ़ी चल रहा है तो ट्रेंड में है। तो इसके लिए मैंने वाइट जॉर्जेट लिया था, उसके बाद मैंने डाई करवाया और फिर मैंने ये सिलवाया, क्योंकि कलर एग्जिट बहुत मुश्किल से, आप देख भी रहे हैं कि अभी भी एग्जिट कलर नहीं है, लेकिन पहनने के बाद पता नहीं चल रहा कि ये एग्जिट नहीं है। तो आपको इसके इस तरह के कपड़े अगर लेते हैं जो कलर, काफ़ी कलर ऐसे होते हैं जो सेम मिल भी जाते हैं हमें,
लेकिन मुझे ये नहीं मिल रहा था और मुझे चाहिए जॉर्जेट ही था, मुझे सिल्क नहीं चाहिए था इसके लिए, तो मुझे जॉर्जेट का कपड़ा ही लेना था क्योंकि इसका जो कुर्ती का कपड़ा है वो जॉर्जेट का ही है। अब इसके दुपट्टे की बात कर लेते हैं, तो मुझे दुपट्टा मेहंदी कलर में नहीं चाहिए था क्योंकि वो पूरा फिर आउटफिट एक जैसा हो जाता, तो दुपट्टा मैंने जो गोल्डन काम हो रहा है तो गोल्डन कलर का लिया है। दुपट्टा थोड़ा सिल्क टाइप में है और इस तरह से इस पर ये वर्क हो रहा है दुपट्टे पे कहीं कहीं बीच में, तो दुपट्टा भी सुंदर है जैसे पार्टी वेयर दुपट्टे होते हैं उस तरह से। तो ये सूट भी शरारा सूट बन के काफ़ी अच्छा लगा है और शरारा सूट ट्रेंड में चल रहा है तो ईद के लिए अच्छा है और शादियों के लिए दोनों, आप ईद पे भी बनवा सकते हैं और आपकी शादियां का सीज़न है, शादियां आप अगर आपके घर में शादी है तो भी आप इस तरह से सूट बनवा सकते हैं। और आप इसकी डोरी को देखिए कि डोरी कितनी अच्छी लग रही है इस तरह से। अगर हम प्लेन बनवाते बेशक लटकन वगैरह कुछ लगवा लेते, मुझे लटकन जो डोरी होती है ना उनमें कंफर्टेबल नहीं होती, जब हम पीछे बैठते हैं तो वो पीछे या तो उन्हें आगे करो वरना वो आप पीछे अगर बैठते हैं तो बैक पे चुभती हैं। तो इस तरह से आप इसी कपड़े में से इस तरह से डोरी बनवा लें तो वो अच्छी लगेगी। और ये इसका दुपट्टा है, तो दुपट्टा मैंने बहुत शाइनिंग वाला नहीं लिया कि बहुत चमक धमक के सितारे वाला नहीं लिया, इस तरह से मैंने ये दुपट्टा लिया है। तो दुपट्टा भी इस पर अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह ये वाला सूट है जो जॉर्जेट के कपड़े वाला सूट होता है, इसमें मैंने जो अंदर इनर लगवाया है वो प्योर कॉटन का और हल्का वाला लगवाया है, मैंने सिल्क वाला इसमें अस्तर नहीं लगवाया, अपने शरारा में भी और कुर्ती में भी वो कॉटन का और हल्का वाला अस्तर लगा हुआ है जो आपको गर्मी में आराम दे और आप इस सूट को आराम से पहन सकें। तो आप गर्मियों में कभी भी इस तरह के सूट बनवाएं जिन पर वर्क हो रहा हो, तो आप कोशिश करिए कि आप सिल्क का या साटन का अस्तर ना लेके कॉटन का अस्तर लगवाएं जिन्हें आप आराम से गर्मियों में पहन सकें। ज्वेलरी चूड़ी कंगन आप अपने अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। ये जो सूट है ये मैंने स्टिच नहीं कराया, ये मैंने रेडीमेड लिया है, लेकिन इसका आप कलर देख सकते हैं, ये भी शादी के लिए और ईद के लिए बहुत अच्छा कलर है। गर्मियों में ऐसा नहीं कि आपके आंखों में चुभेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल लाइट कलर लो, क्योंकि शादियों में डार्क कलर ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं, ईद के टाइम भी ना ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं और पहनते भी हैं, मैंने देखा है ईद में लोगों को कि वो ब्राइट कलर ही पहनते हैं लड़कियाँ। तो ये मैंने रेडीमेड लिया था, इस पर इस तरह से रेशम वर्क का काम हो रहा है, ये इसकी पैंट है, पैंट में नीचे हाफ में नेट का काम हो रहा है। जब मैं इसे ट्राई अभी पहन के दिखाऊंगी आपको तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें नीचे ये जो पांचे आते हैं उस पर नेट लगी हुई है। तो पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था। इसके साथ मैंने एक ग्रीन चूड़े, क्योंकि इस पर ना काफ़ी कलर आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अलग करके चाहते तो आप रेड चूड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन इसमें ग्रीन काम भी हो रहा है और येलो कलर का भी हो रहा है, आप इसमें येलो चूड़ी भी पहन सकते हैं, ग्रीन चूड़ी भी पहन सकते हैं। अगर मैं इसके दुपट्टे की बात करूँ ना, मैं आपको पहनने के बाद आप देखेंगे इसका दुपट्टा बहुत छोटा है, सुंदर बहुत है, ऑर्गेन्जा कपड़े में है, अच्छा आया है, लेकिन बहुत छोटा आया है। अगर आपको सर ढकना पड़ेगा तो शायद आप इस दुपट्टे से नहीं कर पाएंगे, ये केवल आपके लिए साइड के लिए। तो ये दुपट्टा इसके साथ ही आया था, लेकिन मैंने इसके लिए ना एक दुपट्टा अलग से भी परचेज करा है, क्योंकि ये सिर्फ आप फैशन के लिए साइड में डाल सकते हैं। अगर कभी आपको, अगर आप सर ढकते हैं अपने ससुराल में, अगर आप मैरिड हैं या न्यू मैरिड के लिए भी सूट बहुत अच्छा है, आप अपने कलेक्शन में इस तरह के सूट को रख सकते हैं। तो ये आप पैंचे पे देख रहे हैं इस तरह से नेट लगी हुई है। तो आप इस सूट इस दुपट्टे को तो केवल आप फैशन के लिए साइड में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए ना अलग से इस तरह का दुपट्टा लिया परचेज, और ये काफ़ी बड़ा दुपट्टा है, आप इससे सर भी ढक सकते हैं, आराम से घूंघट भी ले सकते हैं। और मुझे उस दुपट्टे से ज़्यादा ये दुपट्टा अपने इस सूट पर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सा दुपट्टा अच्छा लग रहा था, पहला वाला या फिर ये वाला, क्योंकि मुझे अपना ये वाला दुपट्टा बहुत अच्छा इसके ऊपर लग रहा था। तो इस तरह के तो आप अपनी ईद के लिए भी इस तरह के सूट ले सकते हैं, आपके घर में शादी है उसके लिए भी ले सकते हैं, आप न्यू मैरिड हैं, आपके भी शादी होने वाली है, तो इस तरह के सूट ना आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, क्योंकि शादी के बाद ना कुछ इस ब्राइट कलर के सूट होने चाहिए। और ये ना
सिल्क, ये इसका कपड़ा बताऊँ तो ये सिल्क का कपड़ा है, लेकिन कंफर्टेबल है, आप गर्मी में इस सूट को पहन सकते हैं। मैंने पहना है, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था। आई होप कि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।